ये है रिकॉर्ड का एंड्रिस स्लिम नाम का एसी जैसा दिखने वाला हॉरिजॉन्टल गीजर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संकल्प और मैं 40 साल पुराने एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर को रन करता हूँ। हम अपने इसी एक्सपीरियंस और कस्टमर इंटरेक्शन के बेसिस पे लाते हैं ऐसे वीडियोस जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से जुड़े सारे सवालों की बहुत ही आसान शब्दों में बिना किसी टेक्निकल टर्म को यूज किए जवाब देती हैं, जिससे आपकी डिसीजन मेकिंग हो जाती है बहुत ही आसान और आप खरीद पाते हैं अपनी जरूरत के अनुसार सही सामान बिना हुए परेशान। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे ठंड के राजा और हर घर में यूज होने वाले प्रोडक्ट गीजर्स की। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि आप जान जाएंगे कि क्या सूटेबल साइज आपको लेनी चाहिए, किस तरह का गीजर आपको लेना चाहिए, कौन सी ब्रांड अच्छी होगी आपके लिए, कितनी बिजली खाएगा आपका गीजर और क्या प्राइसेस होंगी डिफरेंट साइजेस और मॉडल्स की गीजर्स के। सबसे पहले जान लेते हैं क्या साइज आपको लगाना चाहिए। इंस्टेंट गीजर इस लिस्ट में आते हैं सबसे पहले। ये गीजर कहीं भी लगाए जा सकते हैं इररिस्पेक्टिव कि कितने लोगों को इस्तेमाल करना है। सिंपल रीजन इसके नाम में ही है, इंस्टेंट। ये गीजर स्विच ऑन करने के साथ ही विद इन 2 से 3 मिनट में गर्म पानी देने लगते हैं और वो भी लगातार। ये गीजर बिल्कुल सही ऑप्शन है किचन और यूटेंसिल वॉशिंग एरिया में लगाने के लिए, यानी बर्तन धोने की जगह के लिए। तो अगर आपके घर और एरिया में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई 24/7 है तो आप ये गीजर लगा सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा बिकने वाले सेगमेंट की गीजर्स की, तो जरा ध्यान से देखिए और सुनिएगा ये सेगमेंट, क्योंकि आप में से लगभग 90% लोग इसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और इसी कैटेगरी के गीजर को आगे चलकर लेंगे। ये कैटेगरी स्टोरेज वाटर गीजर्स की है, यानी 6, 10, 15, 25, 30, 35 लीटर के गीजर्स की। अगर आप एकमात्र इंसान हैं जो केवल गीजर यूज करेंगे तो आपके लिए 6 से 10 लीटर का ऑप्शन सही रहेगा। अगर आपके घर में 2 से 3 लोग हैं जो गीजर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको आइडियली 15 लीटर का गीजर लेना चाहिए। लेकिन अगर आप शावर और वो भी स्टीमिंग हॉट वाटर से शावर लेने के शौकीन हैं मेरी तरह, तो आपको जरूरत से थोड़ा ज्यादा यानी 25 लीटर का गीजर लगवाना चाहिए, जैसे कि मैंने भी अपने घर पे लगवा रखा है। अगर 3 से ज्यादा यानी 4 से 5 लोग आपके घर में हैं जो गीजर का इस्तेमाल करने वाले हैं तो आपको 30 से 35 लीटर का गीजर अपने लिए लगवाना चाहिए। देखिए, इसमें एक बात का ध्यान आपको जरूर रखना है, मैंने आपको जो साइज रिकमेंड की है वो ये ध्यान रख के की है कि सभी लोग सुबह लगभग 2 से 5 मिनट के डिफरेंस के बीच नहाएंगे। लेकिन अगर आपके घर में ये डिफरेंस या गैप आधे घंटे या उससे भी ज्यादा का है तो आप 3 से 4 लोग होने के बावजूद भी 15 लीटर या उससे छोटा गीजर भी ले सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार। ये तो बात हो गई साइज की, आइए अब देख लेते हैं कि किस तरह के गीजर आते हैं मार्केट में और आप कैसा गीजर ले सकते हैं। सबसे पहले आते हैं मोस्ट बेसिक एंड वेरी इकोनॉमिकल, यानी सस्ते, सुंदर और टिकाऊ गीजर, जैसा कि हम सालों से देखते आ रहे हैं अपने घरों में। अगर आपको लुक से कोई मतलब नहीं है या आपके बाथरूम की सीलिंग कवर्ड है फॉल्स पार्टीशन से, तो आप ये गीजर बिल्कुल आराम से लगवा सकते हैं। इसके बाद आते हैं डिजाइनर यानी कॉम्पैक्ट गीजर, जो आजकल काफी ज्यादा प्रचलित है मार्केट में। अगर आप अपने सुंदर बाथरूम के लुक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं या आपके बाथरूम में गीजर ओपनली दिखते हैं, तो आप ऐसे कॉम्पैक्ट डिजाइनर एंड स्क्वायरिश गीजर ले सकते हैं। थोड़ा सा प्राइस आपको ज्यादा जरूर पे करना पड़ेगा, लेकिन ये गीजर अपना काम बखूबी करने के साथ साथ आपके बाथरूम की शोभा में भी 4 चांद लगा देंगे। हमने इंस्टेंट गीजर की तो बात कर ली इस वीडियो में, पर अगर गीजर्स के प्रकार की बात करें तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इंस्टेंट गीजर की तरह ही पानी तुरंत गर्म करने के लिए एक ऑप्शन और है आपके पास। और मजे की बात पता है क्या है, ये गीजर चलते हैं बिना बिजली के। जी हाँ, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। मैं बात कर रहा हूँ गैस गीजर्स की। ये गीजर रन करते हैं LPG से, और अगर आपके घर इलेक्ट्रिसिटी की काफी ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप ये गीजर बिल्कुल ऑप्ट कर सकते हैं। सबसे लास्ट में आते हैं हॉरिजॉन्टल गीजर्स। अगर आपके बाथरूम की सीलिंग की हाइट है बहुत कम तो आपको लेना चाहिए हॉरिजॉन्टल गीजर। अब इनमें डिजाइन के मामले में तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, सेम सिलेंड्रिकल शेप ही आएगा, लेकिन एक बहुत ही यूनिक डिजाइन का हॉरिजॉन्टल गीजर बनाती है कंपनी। ये है रिकॉर्ड का एंड्रिस स्लिम नाम का एसी जैसा दिखने वाला हॉरिजॉन्टल गीजर।
ये 20 और 30 लीटर की कैपेसिटी में आता है गीजर, और नॉर्मली तो आप लगा ही सकते हैं अच्छे लुक्स के लिए अपने बाथरूम में, साथ ही साथ कम स्पेस वाली जगह और कम हाइट वाली जगह पे भी ये गीजर बहुत ही अच्छा ऑप्शन साबित हो सकते हैं। बात करते हैं अब ब्रांड्स की। ऐसे तो देर आर एन नंबर ऑफ ब्रांड्स इन गीजर्स, बट मैं आपको अपने एक्सपीरियंस, मार्केट परफॉर्मेंस, इन ब्रांड्स की नेशन वाइड रीच के हिसाब से आज सजेस्ट करूंगा। इनमें ब्रांड्स जो आप ले सकते हैं वो हैं वीनस, रकॉल्ड, उषा, हैवल्स, हिंदवेयर, बजाज, हायर, एओस्मिथ एंड वीगार्ड। ये सभी ब्रांड्स की अपनी अपनी यूएसपी तो हैं, बट इन जनरल सभी के परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छे हैं। अगर स्पेसिफिकली बात करें तो वीनस कम सुनी हुई ब्रांड है, बट मैं बता दूं कि ये ब्रांड शोर कम और काम ज्यादा करती है। बेस्ट पार्ट अबाउट वीनस इज इनकी एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जिसमें इनके एलिमेंट डायरेक्ट वाटर के कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं, और इसमें 2 किलोवाट का एक एलिमेंट लगा होने की बजाय 1-1 किलोवाट के 2 एलिमेंट लगे होते हैं। इस वजह से ये गीजर बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है और एक बार लगा देने के बाद आपको भूल जाना है। रकॉल्ड एंड एओस्मिथ गीजर बनाने के मामले में पायनियर्स हैं। रकॉल्ड पिछले 60 सालों से, वहीं एओस्मिथ तो भैया वर्ल्ड वॉर के समय से गीजर्स बनाती आ रही है। ये दोनों ही प्रीमियम गीजर्स की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इनकी प्राइस के साथ साथ परफॉर्मेंस भी उसी तरीके से प्रीमियम है। अब आते हैं हैवल्स, हिंदवेयर, बजाज एंड उषा, ये इंडियन ब्रांड्स हैं और काफी समय से इस फील्ड में हैं। हिंदवेयर हालांकि इनमें से सबसे नई है और एक्सपीरियंस में इनको मैच नहीं कर सकती, लेकिन इनके प्रोडक्ट इनोवेटिव हैं और प्राइसिंग काफी अग्रेसिव है एज पर द कॉम्पिटिशन। हैवल्स इस समय मार्केट लीडर है इस सेगमेंट में, और प्राइस, परफॉर्मेंस, सर्विस सब के मामले में सर्वगुण संपन्न ब्रांड है। वहीं उषा और बजाज सालों से अपने प्राइसेस और क्वालिटी से हम सभी को सेटिस्फाई करते आ रहे हैं एज अ कंज्यूमर, तो आंख बंद करके आप बजाज और उषा के गीजर्स को चुन सकते हैं। वहीं वी गार्ड भी अपनी क्वालिटी के लिए जानी जाती है। इनकी क्विक सर्विस इनको थोड़ी एडवांटेज देती है ओवर अदर ब्रांड्स, सो ओवरऑल दे आर ऑल्सो अ गुड ऑप्शन टू ऑप्ट फॉर। आइए अब बात कर लेते हैं उस टॉपिक के बारे में जो हम इंडियंस को सबसे ज्यादा कंसर्निंग लगता है, हर मिडिल क्लास इंडियन फैमिली के लिए। इनफैक्ट आज के दौर में बिजली इतनी महंगी हो गई है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आइए समझ लेते हैं जल्दी से। अगर मान लें कि आप एक स्टोरेज वाटर गीजर अपने घर में यूज करते हैं, यानी 10, 15 और 25 लीटर के गीजर, तो क्या हिसाब बैठेगा बिजली खर्च का? अपने गीजर्स 2 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। 1 किलोवाट या 1000 वाट अगर आप 1 घंटे तक इस्तेमाल करते हैं तो लगभग 1 यूनिट बिजली खर्च होती है। तो उसी प्रकार 2 किलोवाट यानी 2000 वाट अगर आप 1 घंटे इस्तेमाल करेंगे तो लगभग 2 यूनिट बिजली खर्च होगी। इसी हिसाब से एक घर में गीजर ऑन एन एवरेज 3 घंटे इस्तेमाल होता ही है। उस हिसाब से 2 किलोवाट अगर 3 घंटे इस्तेमाल होगा तो लगभग 6 यूनिट बिजली खर्च होगी, और हम पर यूनिट चार्ज अगर 7 रुपए माने तो लगभग 40 से 42 रुपया पर डे आपका गीजर खर्च उतारेगा। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जी हाँ, प्राइस, दाम कितने का पड़ेगा? आइए अंदाजा लेते हैं कि कौन सा गीजर कितने का पड़ेगा। सिलेंड्रिकल यानी सस्ते, सुंदर और टिकाऊ वाले गीजर आपको सबसे इकोनॉमिकल पड़ेंगे। 25 लीटर 7 से 9 हजार, 15 लीटर 6 से 8 हजार तक, और 10 लीटर 4 से 6000 तक आपको पड़ेगा। वहीं अगर आप डिजाइनर गीजर में जाएंगे तो प्राइसेस ऑब्वियसली थोड़ा सा बढ़ जाएंगी। 25 लीटर के लिए आपको पे करना पड़ेगा 10 से 12000, 15 लीटर के लिए 9 से 11000, और 10 लीटर के लिए 8 से 9000 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं आपको। और अगर आप इंस्टेंट गीजर लेते हैं तो 1 से 3 लीटर वाले 2 से 4000 तक, और 6 लीटर वाला 4 से 6000 तक आपको कॉस्ट करेगा। ये प्राइसेस याद रखिएगा, एक एवरेज एस्टिमेशन है सारे ब्रांड्स एंड कैटेगरी का, ताकि आपकी बजटिंग आसान हो सके। अगर आप किसी मॉडल या ब्रांड की स्पेसिफिक प्राइस जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कमेंट में जरूर करूंगा। अगर आप और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आपको अगर किसी भी प्रोडक्ट की सही प्राइस और नेट डीलर प्राइस जाननी है तो हमें मेल करें, हम आपको जरूर हेल्प करेंगे आपकी बार्गेनिंग पावर बढ़ाने में। इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छी लगी हो, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ताकि वो भी इस वीडियो से अपनी नॉलेज और परचेजिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें।
इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के रिव्यू और सही जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंचे और आप अपने मतलब के वीडियो को बिना समय बर्बाद किए देख सकते हैं।